We now study about blood vessels. हमारे पास तीन तरीके की ब्लड वेसल्स होती हैं। एक होती है वेन, एक होती है आर्टरी और एक होती है कैपिलरी। अब हम इसके बारे में देखते हैं कि क्या होते हैं ये सब। ये देखो, आर्टरी रेड कलर से शो हुई है, वेन्स जो है वो ब्लू कलर से शो हुई है। अब मैं आपको एक एक करके इसमें डिफरेंस बताती हूँ। ये वन वे रोड्स की तरह है, आर्टरी और वेन्स। हार्ट से बॉडी पार्ट्स की ओर ले जाने वाली, ब्लड को ले जाने वाली रोड को हम आर्टरी कहते हैं। जो हार्ट से बॉडी पार्ट्स की तरफ ब्लड को लेके जाती है वो आर्टरीज कहलाती है, और वेन्स वो होती हैं जो बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ ब्लड लेके आए। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है आर्टरीज और वेन्स का, कि आर्टरीज वो वेसल्स हैं जो हार्ट से बॉडी पार्ट में ब्लड लेके जा रही हैं, और वेन्स वो ब्लड वेसल हैं जो बॉडी पार्ट से हार्ट की ओर वापस ब्लड लेके आ रही हैं। ठीक है, अब आर्टरीज चूंकि हार्ट से लेके जाती है और हार्ट पंप करता है ब्लड को, तो आर्टरीज में ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है। प्रेशर जो रहता है आर्टरीज में वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है, इस वजह से आर्टरीज की वॉल जो है वो मोटी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आर्टरीज की वॉल जो है वो कितनी मोटी है, जबकि वेन्स जो है वो बॉडी पार्ट से हार्ट की ओर ब्लड लेके आ रहा है, तो उसमें ब्लड प्रेशर जो रहता है वो बहुत लो रहता है, इसलिए उनकी वॉल्स को मोटा होने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, पतली वॉल्स है। मेन आपको ये पॉइंट रखना है कि आर्टरीज में ब्लड जो है वो काफी प्रेशर से फ्लो हो रहा है, इसलिए आर्टरीज हमारी बॉडी के अंदर की तरफ रहती है, लेकिन वेन्स जो रहती है वो सुपरफिशियल रहती है, वो मतलब हमारी स्किन के अंडर दिखाई देती है हमको। आप अपने हाथ को देखो, आपको कुछ ब्लू ब्लू कलर की दिखाई देंगी वेसल्स, तो वो वेन्स है। आर्टरीज हमें जनरली दिखाई नहीं देती क्योंकि वो डीप डाउन, ठीक है। वेन्स आपको ब्लू कलर की इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन रहित ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें फ्लो होता है, मतलब जो ऑक्सीजन से रहित है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। जबकि आर्टरीज आपको रेड कलर की इसलिए दिखाई देती है क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, मतलब जिसमें ऑक्सीजन है ऐसा ब्लड कैरी करती है ये। तो ये आर्टरीज को हम रेड कलर से शो करते हैं, वेन्स को हम ब्लू कलर से शो करते हैं। अब आप देखो, ये हार्ट है सपोज। अब हार्ट से सपोज पैरों में जा रहा है ब्लड और पंप होके जा रहा है काफी प्रेशर में, पैरों में जा रहा है, लेग्स में जा रहा है, आपके ऊपर फेस में जा रहा है ब्लड, तो काफी प्रेशर से जाता है क्योंकि हार्ट ने अभी पंप किया, तो ये आर्टरीज लेके जा रही है। अब आर्टरीज में ब्लैक बैक फ्लो ब्लड का होना मुश्किल है, ठीक है, लेकिन वेन्स जो है वो लेग से वापस ब्लड लेके हार्ट तक आ रहा है। अब जब ये हार्ट तक वापस लेके आ रहा है तो इसमें बैक फ्लो होने के बहुत चांसेस है ब्लड के, इसलिए वेन्स के बीच बीच में ऐसी वॉल्स होती हैं जो कि ब्लड को बैक फ्लो होने से प्रिवेंट करती है। इस तरह की वॉल्स होती हैं वेन्स में। ये एक और डिफरेंस है आर्टरीज और वेन्स में। अब हम एक बार ये सारे पॉइंट जो है वो जॉट डाउन कर लेते हैं आर्टरीज और वेन्स के। आर्टरीज वो ब्लड वेसल होती हैं जो ब्लड को हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में लेके जाती हैं, ठीक है, और वेन्स वो ब्लड वेसल होती हैं जो सारे ऑर्गन से हार्ट पे लेके आती हैं ब्लड को। आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, मतलब विथ ऑक्सीजन। आपको एक एक्सेप्शन याद रखना है, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स, तो लंग्स में जो ले जाने वाली आर्टरी होती है वो सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बाकी सारी आर्टरीज जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। अभी हम ये एक्सेप्शन पे आएंगे, बाद में डिटेल देखेंगे इसका। वेन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, मतलब ऐसा ब्लड कैरी करती है जिसमें ऑक्सीजन एब्सेंट होता है। इसका भी एक एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन, ठीक है। इसमें ब्लड जो फ्लो होता है वो बहुत रैपिड होता है, मतलब बहुत क्विक ब्लड फ्लो होता है क्योंकि प्रेशर बहुत हाई रहता है और बहुत स्मूथली फ्लो होता है, जबकि वेन्स में जो ब्लड फ्लो होता है वो जर्क के साथ फ्लो होता है, ठीक है। इसमें आर्टरीज में बहुत प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो होता है क्योंकि ये हार्ट से लेके जा रही है और हार्ट ने पंप किया है ब्लड, इसीलिए इसकी थिक वॉल रहती है। जबकि वेन्स में ब्लड जो होता है वो बहुत लो प्रेशर से होता है, इसीलिए इसकी थिन वॉल्स रहती हैं। ये बहुत स्किन के बहुत डीप में रहती हैं, इट लाइज डीप इनसाइड द स्किन, जबकि वेन्स जो होती है वो ऊपर ऊपर रहती है स्किन के, इसलिए हमें ये ब्लू कलर की दिखाई देती है। आर्टरीज जो है वो रेड कलर की होती है और वेन्स जो है वो ब्लू ग्रीन टाइप के कलर की होती है, ठीक है। इनके पास वॉल्स नहीं होती है क्योंकि बैक फ्लो होने के चांसेस नहीं है, लेकिन इनके पास वॉल्स होती है, वेन्स के पास वॉल्स होती है, ताकि वो बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड का को प्रिवेंट कर सके, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंस, यू हैव टू लर्न इट। सो ये हमने डिफरेंस देखा
आर्टरीज और वेन्स का। ये आपको वेन्स की वॉल्स नजर आ रही हैं, इस तरीके से वॉल्स होती हैं वेन्स में, और वेन्स की वॉल जो होती है ये देखो पतली है, जबकि आर्टरीज की वॉल जो है वो मोटी है। तो काफी सारा डिफरेंस आपको इस डायग्राम में ही नजर आ जाएगा। थर्ड टाइप का जो ब्लड वेसल है वो कैपिलरीज। कैपिलरीज जो होती हैं वो काफी पतली होती हैं। जब भी आर्टरीज ब्लड लेके आती है किसी भी ऑर्गन में, ठीक है, तो ऑर्गन में जाने के बाद आर्टरीज जो है वो डिवाइड हो जाती है। आर्टरीज डिवाइड होती हैं और फिर वो कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। आर्टरीज डिवाइड हुई और वो कैपिलरीज में कन्वर्ट हो गई। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स हैं, सपोज आईज हैं, आपको आईज के अंदर व्हाइट व्हाइट वाले पोर्शन में आपको कैपिलरीज नजर आएंगी। तो यहाँ पे वो कैपिलरीज जो होती हैं वो ऑक्सीजन दे देती हैं ऑर्गन्स को और उनसे कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती हैं और फिर ये कंबाइन होके वेन्स बन जाती हैं। तो इस तरीके से कैपिलरीज जो है वो माइन्यूट ट्यूब्स हैं जो कि एक लिंक है आर्टरीज और वेन्स के बीच में। आर्टरीज जब डिवाइड होती हैं तो वो कैपिलरीज कहलाती हैं और कैपिलरीज जब कंबाइन होती हैं तो वो वेन्स बन जाती हैं। कैपिलरीज का काम जो है वो ऑर्गन्स को ऑक्सीजन और सारी चीजें ट्रांसपोर्ट करना है। आई होप कि आपको तीनों टाइप के ब्लड वेसल समझ में आ गए होंगे।